नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, बढ़ती महंगाई को लेकर महिला जिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। हाथों में गैस की टंकी लेकर महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से पैसे मांग की है कि लौटा दो मुझे और आने दे। यह प्रदर्शन गैस की टंकी पर 50 रुपए भरने को लेकर किया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और सभी चीजों की कीमत बढ़ रही है। कल रंग पंचमी के दिन रसोई गैस 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को तोहफा दिया है, उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, लगातार सभी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और कल रंगपंचमी के दिन जिस तरह से 50 रुपए बढ़ाकर एकदम से महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने तोहफा दिया है, ये उसी के खिलाफ प्रदर्शन है। क्योंकि आज रसोई गैस से लेके खाने की हर चीज महंगी होती जा रही है और इसका जो बोझ है वो महिलाओं पे पड़ता है। सारी गृहणियां इसका विरोध कर रही है और इसका ये विरोध हमारा लगातार जारी रहेगा। करके वो रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देने के लिए कहा है। ये सारी चीजें हुई है, पूरे प्रदेश के सभी जिले के अध्यक्ष आए थे, सब विधायक आए थे और हमारे महिला कांग्रेस की सब नेताएं आई थी। सब अपने अपनी बात रखी है तो निश्चित ही अच्छा मना माहौल बन रहा है। क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए, चुनाव आ रहा है अभी दूसरी तरफ, जैसे कि शहर के अंदर? बिल्कुल, आने वाले समय में एक अच्छा समय आएगा। ये 17 साल से बीजेपी का अपना जो कुशासन है उससे लोग परेशान है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान। तो अब आने वाले समय में मतदाताओं ने ठान लिया है कि अब की बार कांग्रेस को ला के ही 2022-23 में कांग्रेस सरकार बनेगी। कहाँ पे बुलडोजर मामा के नाम से पोस्टर लग रहा है शहर में? वो कुछ मतलब दूर भावना वाले लगा देते हैं, अब क्या करो। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।